Do subscribe and press the bell icon on the YouTube app to get all the regular updates of GaadiWadi.com. हेलो एंड वेलकम बैक टू GaadiWadi.com. दोस्तों मैं हूं आपका होस्ट गौरव यादव और मैं आपका स्वागत करता हूं एक और वीडियो के अंदर. और इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं निसान की आने वाली ऑल न्यू मैग्नाइट कॉम्पैक्ट एसयूवी के परफॉर्मेंस एंड डायनामिक्स के बारे में. दोस्तों इसको हाल ही में अनवील किया गया था और लॉन्च किया जाना है बहुत जल्द भारत के अंदर. कीमत का एक अनुमान है कि कुछ 5.5 लाख रुपीज़ के आसपास से कीमत स्टार्ट होने वाली, जो काफ़ी चौंकाने वाली कीमत हो सकती है. और उस कीमत के अंदर ये वैगनार, स्विफ्ट, i10, फीगो, टियागो जैसी गाड़ियों को राइवल कर सकती है. उसके अलावा वेन्यू, सोनेट जैसी जो गाड़ियां हैं एंट्री लेवल जिनका प्राइस 6.8 लाख रुपीज़ के आसपास है, उनको भी काफ़ी कड़ी टक्कर देने वाली है न्यू मैग्नाइट. दोस्तों इसके अंदर आपको मिलेगा 1 लीटर का इंजन, टर्बो के अंदर आपको 100 PS की पावर, 160 Nm का टॉर्क मिलेगा मैनुअल के अंदर, 152 Nm का टॉर्क मिलेगा आपको इसके जो ऑटोमेटिक है CVT वर्जन है उसके अंदर. वहीं जो नॉर्मल इंजन है 1 लीटर का उसमें आपको 72 PS की पावर और 96 Nm का टॉर्क मिलने वाला है. माइलेज लगभग आपको 20 के आसपास की मिलने वाली है और काफ़ी सारे सेगमेंट फर्स्ट फीचर्स मिलेंगे आपको इस गाड़ी के अंदर, जैसे कि आपको वायरलेस एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो मिलने वाला है. ₹336 लीटर के आसपास का बूट स्पेस मिलने वाला है. पीछे आपको लेग रूम सेगमेंट का सबसे अच्छा मिलने वाला है इस गाड़ी के अंदर. बट इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ इसके परफॉर्मेंस के बारे में कि कैसी परफॉर्मेंस ऑफर करती है, 0 to 100 स्पीड कैसी आती है गाड़ी की, 100 to 0 ब्रेकिंग टेस्ट भी करने वाले हैं और सस्पेंशन क्वालिटी, राइड क्वालिटी कैसी ऑफर करती है वो चीज़ें हम बताने वाले हैं. दोस्तों पहले चलाने वाले इसके हम CVT वर्जन को, फिर हम चलाएंगे इसके मैनुअल वर्जन को. फर्स्ट 58 के आसपास चले जाते हैं, सेकंड में आप 80 चले जाते हैं आराम से, थर्ड में आप टच कर जाते हैं 103 की स्पीड और फोर्थ में आप पहुंच जाते हैं 122 तक. ब्रेक काफ़ी अच्छी ऑफर करती है ये गाड़ी, हालांकि ज़रूरत है कि इसमें पीछे भी डिस्क ब्रेक्स हों. स्पोर्ट्स मोड में आपको प्रेस करना होगा इस बटन को, लीवर के पीछे बटन छुपा के रखा है काफ़ी, कहीं लिखा नहीं है अलग से, बट जैसे आप प्रेस करेंगे यहाँ पे स्पोर्ट लिखा हुआ आ जाएगा. फर्स्ट में 58 सेम, सेकंड में 78, 102, अब देखते हैं कि मैनुअल ट्रांसमिशन कैसी परफॉर्मेंस ऑफर करता है एज कम्पेयर टू CVT. 0 to 100 टॉप स्पीड हम इस गाड़ी के अंदर भी टेस्ट करने वाले हैं, ये दोनों ही टर्बो वेरिएंट्स हैं. और दोस्तों ये है इसका टर्बो मैनुअल ट्रांसमिशन वेरिएंट, 1 लीटर, 160 Nm टॉर्क और 100 PS की पावर डिलीवर करता है ये इंजन. फर्स्ट में आप वही 60 के आसपास पहुंच जाते हैं, सेकंड गियर में आप पहुंच जाते हैं 93, थर्ड में आप क्रॉस कर जाते हैं आराम से 100. पहुंच जाते हैं. तो दोस्तों CVT वर्जन के मुकाबले मैनुअल वर्जन ज़्यादा मज़ेदार है चलाने के अंदर, काफ़ी मज़ा आने वाला है, काफ़ी भरपूर पावर मिलती है इसके अंदर, लगेगा नहीं कि ये 1 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन है, 1.2 लीटर टर्बो या फिर ऐसा लगता है कि 120 PS के आसपास की पावर डिलीवर करता है ये पर्टिकुलर वेरिएंट. काफ़ी मज़ेदार है चलाने में, अगर आप एक स्पोर्टी एंथुजियास्ट हैं तो आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है इसके मैनुअल वर्जन को चलाकर. हालांकि CVT के अंदर आपको स्पोर्ट्स स्पोर्ट वगैरह मिलते हैं बट वो एक कन्वीनियंट ड्राइव ऑफर करता है CVT, काफ़ी स्मूथ ड्राइव ऑफर करता है, गियर शिफ्टिंग वगैरह काफ़ी स्मूथ है उसके अंदर. बट जब आप ड्राइवर सीट के ऊपर बैठ के दोनों को साइड बाई साइड चलाएंगे जैसे हमने चलाया, तो आप मैनुअल वर्जन आपको ज़्यादा पसंद आने वाला है. दोस्तों पावर के साथ साथ माइलेज भी काफ़ी अच्छी डिलीवर करती है गाड़ी, लगभग 20 किलोमीटर पर लीटर के आसपास की क्लेम्ड है, 15 से 16 आपको आराम से सिटी में दे देगी ये गाड़ी. उसके अलावा ड्राइव करते समय आपको फुल डिजिटल स्पीडो कंसोल जो लगाया गया है वो भी काफ़ी एक अच्छा फील देता है. AC वेंट्स का जो डिज़ाइन है ये भी काफ़ी अच्छी फील देता है और जो इन्फोटेनमेंट का जो टिल्टनेस है टुवर्ड्स ड्राइवर, सब मिलाकर फैक्टर्स फील देते हैं कि जैसे ये एक
ड्राइवर ओरिएंटेड कार है और आप ड्राइवर सीट के ऊपर ही बैठना पसंद करेंगे, हालांकि लेग रूम, हेड रूम पीछे आगे सब कुछ काफ़ी अच्छा ऑफर करती है, शोल्डर रूम भी काफ़ी अच्छा ऑफर करती है। बात करें ड्राइविंग डायनामिक्स की, तो ड्राइविंग डायनामिक्स में मामले में भी काफ़ी अच्छा स्कोर करती है गाड़ी। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करने वाले हैं इसके स्टीयरिंग फीडबैक की। वेट अच्छा से डाला गया है, आप फील नहीं होगा कि स्टीयरिंग के अंदर वेट नहीं है या काफ़ी हार्ड है, काफ़ी सॉफ्ट है, बिल्कुल परफेक्ट जो एक सेटिंग होनी चाहिए स्टीयरिंग की, वो सेटिंग की गई है इसके स्टीयरिंग के साथ में। तो स्टीयरिंग फीडबैक मुझे काफ़ी अच्छा लगा इस गाड़ी का, हालांकि बॉडी रोल आपको काफ़ी ज़्यादा फील होने वाला है इस गाड़ी के अंदर, बट सस्पेंशन काफ़ी अच्छे से ड्यूटी करते हैं। जो इससे बड़ी गाड़ी है निशान के पोर्टफोलियो के अंदर, अपने सेगमेंट का जो सबसे अच्छा सस्पेंशन सेटअप है वो निशान की किक्स ऑफर करती है, राइड क्वालिटी अच्छी ऑफर करती है। थोड़े से गुण आपको इस मैग्नाइट के अंदर भी दिखाई देने वाले हैं। काफ़ी अच्छे से ट्यूनिंग की गई है सस्पेंशन की ऑन द रोड, और लेकर चलते हैं इसको ऑफ रोड के ऊपर कि ऑफ रोड में कैसी ट्यूनिंग की गई है, वहाँ पर कैसी राइड क्वालिटी ऑफर करती है। करंटली अगर आप रोड के ऊपर बात करेंगे तो राइड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, टर्निंग रेडियस भी गाड़ी का काफ़ी कम है, काफ़ी अच्छा टर्निंग रेडियस ऑफर करती है ये गाड़ी। हालांकि जो पैडल्स हैं ये ब्रेक और एक्सीलेटर के सीवीटी वर्जन के अंदर, उनको थोड़ा सा और दूर रखा जा सकता है, काफ़ी पास पास है। मैं एक दो बार मेरे साथ हुआ है आज कि मैं ब्रेक अप्लाई कर रहा था तो साथ में एक्सीलेटर भी दबाया, तो वो थोड़ा सा देखना होगा कंपनी को। अब लेकर चलते हैं इसको कच्चे रास्ते के ऊपर, देखते हैं कैसी राइड ऑफर करती है कच्चे रास्ते के ऊपर ये गाड़ी। ग्राउंड क्लियरेंस 205 मिलीमीटर की ऑफर करती है। सस्पेंशन की ट्यूनिंग काफ़ी अच्छी की गई है। अगर आप गांव वगैरह, या आपका सवाल ये रहने वाला है कि खराब रास्तों पे कैसा परफॉर्म करने वाली है, तो मैं जिस रास्ते के ऊपर चला रहा हूँ काफ़ी अच्छी ट्यूनिंग की गई है खराब रास्तों के हिसाब से ना। हालांकि थोड़ा सा लाइट वेट वो आपको फील होने वाला है, कुछ पैनल्स के अंदर से आवाज़ आपको आएगी, बट जो ट्यूनिंग है सस्पेंशन की वो काफ़ी अच्छी की गई है। ग्राउंड क्लियरेंस काफ़ी अच्छी ओवर करती है आपको कहीं भी। अभी तक जिस रास्ते के ऊपर से मैं लेकर आया हूँ वहाँ पर मुझे नहीं लग रहा कि गाड़ी कहीं टच हुई है, और मानना पड़ेगा कि कंपनी ने भले एंट्री लेवल सेगमेंट में लॉन्च करने की प्लानिंग कर रही है, बट सस्पेंशन सेटअप, ग्राउंड क्लियरेंस, राइड क्वालिटी काफ़ी अच्छी ऑफर करती है। काफ़ी मेहनत की गई है इस प्रोडक्ट के ऊपर, और ये निशान इंडिया का मैं बोलूँगा लास्ट होप है। अगर ये गाड़ी अच्छी सेल्स नंबर ला कर देगी तो फिर निशान के पोर्टफोलियो से काफ़ी अच्छी अच्छी और गाड़ियाँ भी आने वाली हैं भारत के अंदर। पेट्रोल की हम उम्मीद लगाए बैठे हैं, 1 करोड़ के आसपास की गाड़ी होगी जो राइवल करेगी X7 को, ऑडी की Q जो 7 है या Q8 है उसको राइवल करेगी वो गाड़ी, अगर ये गाड़ी अच्छे सेल्स नंबर लाकर देती है तो। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इस रिव्यू के फाइनल पार्ट की, इसके वर्डिक्ट पार्ट की। दोस्तों उम्मीद से कहीं ज़्यादा मुझे पसंद आई न्यू मैग्नाइट चलाने के अंदर, कमाल की गाड़ी है। अगर आप ऑफ रोडिंग भी करने वाले हैं, मतलब ख़राब रास्ते के ऊपर चलाने वाले हैं इस गाड़ी को, तो सस्पेंशन सेटअप, राइड क्वालिटी आपको काफ़ी एक इम्प्रेसिव लगने वाली है इस गाड़ी की। ऑन द रोड राइड अच्छी है, परफॉर्मेंस अच्छी है, 1 लीटर टर्बो आपको लगेगा नहीं कि 1 लीटर टर्बो है इस गाड़ी के अंदर, 120 PS जैसी पावर आपको फील होने वाली है। फीचर्स की अगर हम बात करें तो काफ़ी सारे सेगमेंट फर्स्ट फीचर्स ऑफर करती है, लुक्स हर मामले के अंदर, स्पेस के अंदर गाड़ी ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। अब देखना ये होगा कि कीमत कैसी रखने वाली है निशान इंडिया न्यू मैग्नाइट की। मुझे इसकी ड्राइविंग डायनामिक्स काफ़ी अच्छी लगी, इसकी राइड क्वालिटी काफ़ी अच्छी लगी, फीचर्स भी काफ़ी अच्छे हैं। हाँ कि थोड़ा बहुत बिल्ड क्वालिटी में आपको इशू लगने वाले हैं कि और अच्छा प्लास्टिक रखा जा सकता था, बट जिस कीमत में कंपनी लेकर आने वाली इस गाड़ी के, जो अनुमान है कि 5.5 से 8 लाख रुपीज़ के आसपास कीमत रखने वाली है, और उस कीमत में ये कॉम्पैक्ट SUVs के साथ साथ हैचबैक्स और प्रीमियम हैचबैक्स के
प्रोस्पेक्टिव बायर्स को काफी पसंद आने वाली है। दोस्तों मेरा मानना यह है कि जो बायर्स एक स्विफ्ट i10 फीगो अल्ट्रोज बलिनो जैसी गाड़ियां खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं क्योंकि उनका बजट नहीं है एक कॉम्पैक्ट एसयूवी तक जाने का, वहां पर ये प्रोडक्ट बिल्कुल फिट बैठता है। हालांकि थोड़ी बहुत कमी है इसमें, प्लास्टिक क्वालिटी और बेटर किया जा सकता था, कुछ पैनल्स हैं जो गाड़ी के अंदर से बाहर निकल के आ जाते हैं, उन सब चीज़ों को भी कंपनी को नज़रअंदाज नहीं करना होगा और थोड़ा सा काम करना होगा इसको बेटर प्रोडक्ट बनाने में। इस गाड़ी के अंदर वो सारी कैपेबिलिटीज़ हैं जो एक 5-10 लाख के प्राइस सेगमेंट में काफी अच्छा सेल्स नंबर लाकर दे, बट थोड़ा सा बेटर करने की जरूरत है इस गाड़ी को। अब देखना ये होगा कि दोस्तों आपको ये गाड़ी कैसी लगती है, कैसे अच्छे सेल्स नंबर लाकर देने वाली है निसान इंडिया को, और निसान इंडिया का फ्यूचर डिपेंड करता है इस गाड़ी की सक्सेस के ऊपर भारत के अंदर। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।